हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेवी इफेक्ट आप फोटोशॉप में किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये एक इमेज है और एक हमारे पास मैंने एक इमेज डाउनलोड की है जो वेव की है। मैं ये वाला इफेक्ट यहाँ पे डालना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वाली इमेज को उठाना है, ड्रैग करके आपको यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद आप इसके साइज को छोटा करेंगे। साइज को छोटा करने के बाद हम इसको यहां से नॉर्मल से हटा के हम कर देंगे यहाँ पे ओवरले। ओवरले करने पे आप देखोगे तो इस टाइप का आपको यहाँ पे इफेक्ट नजर आएगा। अब हम इस इमेज को सिलेक्ट करके हम जहां पे हमें जितना भी चाहिए, जो भी इफेक्ट हमें अच्छा लग रहा है, वो वाला इफेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे देखो काफी अच्छा सा कूल सा इफेक्ट आ रहा है। बट अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे साइड में ये वाला इफेक्ट मेरे को नहीं चाहिए, तो साइड के इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे लेयर को और लेयर मास्क ऑन करेंगे। लेयर मास्क ऑन करने के बाद ब्लैक कलर यहाँ पे रखेंगे और ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेने के बाद हम ब्रश को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, हार्डनेस उसकी कम करेंगे, साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये ब्रश जो आपका आया यहाँ पे, हम साइड वाले एरिया को यहां से इस तरीके से हटा देंगे, थोड़ा सा ध्यान से, जो जहां जहां पे आपको व्हाट ये इफेक्ट नहीं चाहिए, वेव इफेक्ट, वहां वहां पे साइज को मैं छोटा करके यहां से इस इफेक्ट को इजिली हटा सकता हूँ। क्लियर। अब अगर अच्छे से आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप नीचे वाली लेयर को अब ऑफ कर दें तो आपको ये दिखेगा साइड वाला, इसको आप यहां से अब हटा सकते हो। कभी कभी देखने में प्रॉब्लम होती है तो ये वाला तो हमें चाहिए ही नहीं बिल्कुल, तो ये तो मैं ऐसे ही यहां से हटा सकता। अब आप देखोगे सिर्फ रोड वाला इफेक्ट यहाँ पे आया। अगर आप ओपन करोगे तो बीच में उस तरीके का आपको यहाँ पे इफेक्ट नजर आएगा। क्लियर है। तो ऐसे करके आप इस तरीके के इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो। इसकी ओपेसिटी को आप अपनी मर्जी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, और भी कोई इफेक्ट अगर आप लगाओगे यहाँ पे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस किस इफेक्ट में मेरा किस तरीके का यहाँ पे बन रहा है। और आप जो भी इफेक्ट अगर आपको सही लगे तो वो भी आप लगा सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पे ओवरले लगाया और इस टाइप का आपका यहाँ पे बन गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।